हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप पंडित जी में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ग्राम सभा हरसिंहपुर पोस्ट इटायन जिला जौनपुर है। यहाँ वासी बस्ती में कोई सांप निकला है। ये लोग देखिए, इतनी जागरूकता फैल चुकी है धीरे धीरे। ये लोग सांप कभी भी देखते थे मार देते थे, लेकिन आज इतने जागरूक हो चुके हैं, ये लोग खुद हमें बुलाए हैं सांप पकड़ने के लिए। चल के देखते हैं सांप कौन सा है, कौन सी स्थिति में है और कैसा है। चल के देखते हैं सांप, और थोड़ा सा वक्त लेते हैं, उसको निकाल के ले चलेंगे, उसको अनुकूलित वातावरण में छोड़ेंगे। कम ऑन, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये छोटा सा परिवार है, ये इनका रहन सहन है। बस ये क्या करते हैं, किसी तरह गरीबी में गुजर बसर हो रहा है। ये इनका मकान देखिए, अब हम क्या कहें, प्रधान जी ने जो भी इनका आवास दिलवाया है, ये आवास बना हुआ है, किसी तरह से इनका इसी में गुजर बसर हो रहा है। और इसी छोटे से आसियाने में कहीं से भाग कर एक जुबान सांप आ गया है। चल के देखते हैं सांप कौन सा है, कैसा है, कौन सी स्थिति में है, उसको पकड़ेंगे और चल के उसके अनुकूलित वातावरण में छोड़ देंगे। आइए, अपना आसियाना बना के रखता है। अब ये चाहे इसे आसियाना कह लें, चाहे घर कह लें, चाहे इनका जो भी कह लें, सब कुछ यही है इनका। और इसी में रहना, खाना बनाना सब कुछ देख रहे हैं इसी में। और इसी में कहीं से भाग करके इस बारिश के सावन के पावन महीने में एक बेचारा बेजुबान इन गरीब घर में आके छिप गया है। उसको क्या पता कौन अमीर है कौन गरीब है। और यहाँ के ये जो लोग हैं इतने अच्छे हैं, जान लीजिए ये लोग चाहते तो इसको मार भी देते, लेकिन इन्होंने मारा नहीं, हमें बुलाया इसे बचाने के लिए। तो इसको पकड़ते हैं, ले चलते हैं कहीं दूर जहाँ किसी का बसेरा ना हो, सिर्फ इनका ही एरिया रहे। और ये देखते हैं सांप कौन सा और कैसी स्थिति में। ये देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये देखिए कोबरा है, बहुत ही जहरीला सांप और बहुत ही खतरनाक, ना जाने कहां से इन गरीबों के घर में आके छिपा है। चलते हैं इसको निकालते हैं, ले चलते हैं इसके अनुकूलित वातावरण में। लोगों का दीजिए बाहर रहे थोड़ा, और इसको ले चलते हैं इसके अनुकूलित वातावरण में, दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। ये देखिए स्पेक्टिकल कोबरा, जितना ही खूबसूरत उतना ही खतरनाक। और यहाँ पे एक केचुली मिली है, जिसको देख के लगता है कि और भी सांप यहाँ हो सकता है। और फिलहाल में तो अभी ये एक स्पेक्टिकल कोबरा है। और ये देखिए बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ छिपा हुआ है, और इसको निकालेंगे, ले चलेंगे इसके अनुकूलित वातावरण में गोपालपुर। अरे अरे भाग भाग,
और इसको दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसके बारे में, ये अपने भारत का सबसे जहरीले सांपों में से एक है। ये हमारे ग्राम सभा के वनवासी परिवार में निकला है। इसमें बहुत ही हाईली वेनम न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है। इसके काटने के बाद आपके पास 45 घंटे का समय रहता है हॉस्पिटल जाने के लिए। तो आपसे निवेदन है कभी भी ये सांप काट ले तो आप सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाएं, किसी भी तंत्र मंत्र जड़ी बूटी झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि इसको मारे नहीं, इसको बचाने के लिए हमें बुलाए हैं। और ये स्पेक्टिकल कोबरा, भारतीय भाषा में नाग, कहीं कहीं कुमन फिटार, वैज्ञानिक इसको नादा नादा के नाम से जानती है। और इसमें न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है। और इसको अब ले चलेंगे, इसके अनुकूलित वातावरण छोड़ देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपसे। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ के लोग जो इसको बचाने के लिए हमें बुलाए हैं।